नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जो भी मनुष्य इन नीतियों का पालन पूरी निष्ठा और लगन से करता है, वो जीवन में अवश्य सफल होता है। दोस्तों, आज मैं आपको आचार्य चाणक्य जी ने बताई हुई एक महत्वपूर्ण बात के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हर पिता को ध्यान में रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं, एकेन शुष्क वृक्षेन दह्यमानेन वहिनना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेन कुलम यथा। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने हर पिता को सावधान होने के लिए कहा है। जो पिता इन बातों पर गौर नहीं करता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, जंगल में कई प्रकार के वृक्ष और प्राणी रहते हैं और वो सभी एक परिवार की तरह ही उस जंगल में रहते हैं। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो उसे वन कौन कहेगा, और ऐसे वन में भला कौन सा प्राणी रहना चाहेगा। अगर किसी वन में कोई सूखा पेड़ या वृक्ष हो तो यह संपूर्ण वन के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि सूखा वृक्ष अग्नि को जल्दी धारण करता है। अगर किसी प्राकृतिक कारण से आसमान से बिजली गिरने से एक सूखे वृक्ष को आग लग जाती है तो वो वृक्ष संपूर्ण जंगल को जला देता है और देखते ही देखते संपूर्ण जंगल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर किसी कुल में एक आध मूर्ख पुत्र जन्म लेता है तो संपूर्ण कुल का विनाश कर देता है। चाणक्य जी ने पहले ही कहा है, ईश्वर ने किसी भी मनुष्य को जन्म के पूर्व ही ज्ञानी बनाकर नहीं भेजा है। उसे ज्ञानी या मूर्ख उसके जन्म के पश्चात आसपास होने वाली गतिविधियां उसे वैसा बनाती है, और ये जिम्मेदारी उसके पिता की होती है। आजकल कुछ पिता अपने पुत्र के ऊपर ध्यान देने के बजाय पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं, और वे सोचते हैं कि मैं अगर भरपूर धन कमाऊंगा तो मेरे पुत्र भविष्य में आराम से जी सकेंगे। लेकिन ऐसा करना मूर्खता का प्रमाण दर्शाता है। किसी भी पिता को अपने पुत्र पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने पुत्र के ऊपर संस्कार के साथ साथ उसे ज्ञान भी देना चाहिए। अगर पुत्र बुरी आदतों में लीन है तो उसे दंड देकर उसके साथ कठोरता से आचरण कर उसे उचित मार्ग पर ले आना चाहिए। नहीं तो बुरे कर्म करने में व्यस्त वो पुत्र भविष्य में संपूर्ण कुल का विनाश कर सकता है, जैसे कोई सूखा हुआ वृक्ष संपूर्ण वन को नष्ट कर देता है। कुछ पिता अपने पुत्र का हद से ज्यादा लाड़ करते हैं। पुत्र जो मांगे वह देने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने पर वो पुत्र भविष्य में उद्दंड स्वभाव का बन जाता है। वो अपने पिता का अनादर करना और उनकी आज्ञा को ठुकराना ऐसे काम करने लगता है। हमेशा अपने पुत्र को खामियों का आभास कराते रहना चाहिए। जब तक उसे खामियां नजर नहीं आएंगी तब तक वो प्रयत्न नहीं करेगा। अगर बिना मांगे ही पुत्र को सब कुछ मिलने लगेगा तो वो पुत्र आलसी बनने लगता है। हमेशा पुत्र कोई वस्तु मांगे तो उसे उस वस्तु के इस्तेमाल के बारे में पूछना चाहिए। वो उस वस्तु का इस्तेमाल उचित कामों के लिए करेगा कि नहीं, ये जान लेना चाहिए। अगर वो अपना समय बर्बाद करने के लिए कुछ वस्तु मांगे तो उसे ऐसी वस्तु से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए। भले ही बाद में आप उसे वो वस्तु खरीद कर क्यों न दे, लेकिन पुत्र को उस वस्तु से होने वाले नुकसान से अवगत कराना चाहिए। समय समय पर उसे प्रेम से हो या कठोर शब्दों से उसे गलत कामों के लिए टोकते रहना चाहिए, और अच्छे कामों में उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। सीमित प्रशंसा आपके पुत्र को आगे बढ़ने के लिए मदद करती है, और गलत कामों के लिए उसे दंड देने पर वो भविष्य में ऐसे काम नहीं करेगा। अतः अपने पुत्र या पुत्री को प्रेम से हो या ताड़न से हमेशा अच्छा ज्ञान और अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य जी ने हर पिता के लिए बताई है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।